न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्टली मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले चैप्टर का स्टार्टिंग किया था हमने उसी पॉइंट से जो हमने लास्ट दो चैप्टर्स में डिस्कस किया था, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, दैट इज रिलेटेड टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। वो दोनों में हमने सिर्फ मोशन का डिस्क्रिप्शन देखा, हाउ मोशन कैन टेक प्लेस उसके कॉसेस के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। हमने सिर्फ मोशन के रिलेटेड टर्म्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन, एज वेल एज वन टाइप ऑफ मोशन इन द प्लेन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, शायद कुछ बोला भी नहीं था बट वो देखा। देन हाउ प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी स्टडीड, कौन से इक्वेशन आएंगे, क्या रेंज है, क्या मैक्सिमम हाइट है, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइंग, व्हाट इज द टाइम टू टेक द मैक्सिमम हाइट, ये सारे इक्वेशन डिराइव्ड किए। बट हम जब चैप्टर नंबर 5 में आए तो हम उसके कॉसेस के बारे में जानने के लिए ट्राई करेंगे कि मोशन होता है तो किसके लिए वजह से होता है। तो हमने पता लगाया कि मोशन किसके वजह से होता है, सम एक्सटर्नल एजेंसी लाइक फोर्स। अब अगेन हमने फोर्स को डिफाइन किया, फोर्स हैविंग टू टाइप्स, वन जो कॉन्टेक्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, सेकंड जिसमें कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है, जिसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, फील्ड फोर्स, क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फील्ड फोर्स है। पर इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम नहीं लिया था, बट इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है। तीन फील्ड है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें से है ना, आप 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ने वाले हो, 11th स्टैंडर्ड में कौन सा फील्ड पढ़ने वाले हो, ग्रेविटेशनल, और हम 12th में जाएंगे तब दोनों फील्ड पढ़ेंगे बाकी के, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी पे 12th पे 5 चैप्टर्स है और दो मैग्नेटिज्म पे, मतलब 7 चैप्टर आउट ऑफ 15 या 16 चैप्टर है, उसमें से इतने चैप्टर्स तो आपके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म पे ही होगा। देन बट वो तब आएगा जब आपका बेसिक नॉलेज ग्रेविटेशनल से लेके जाओगे। ओके, तो वो बेसिक नॉलेज से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से इस चैप्टर का पहला पॉइंट था एरिस्टोटल फॉल्स। एरिस्टोटल ने कुछ जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया वैसे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को उन्होंने एज अ लॉ मान लिया और फिर मोशन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी भी नहीं था, बिफोर 384 ईयर्स बिफोर क्रिसिस, मतलब कि ईस्वीसन, मतलब क्या बोले यार, वन जो स्टार्ट हुआ, सेंचुरी वन जो स्टार्ट हुआ उससे भी पहले एरिस्टोटल ने मोशन का स्टडी स्टार्ट कर दिया था। बट वो क्वेश्चन कौन सा था कि अगर आपको साइकिल या फिर किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस मोशन में रखना है तो क्या फोर्स लगाना जरूरी है, ये जो क्वेश्चन है। आप आज ना बोलोगे, देन बट कल हमने हाँ बोला था पहले, ये जो क्वेश्चन है वो 17th सेंचुरी तक अनसॉल्व था, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाया और एरिस्टोटल ने बताया था कि हाँ जरूरी है। वैसे हम हमारे रियल लाइफ में सोचते हैं ना कि साइकिल को कंटिन्यूस स्पीड पे लेके जाना है तो पेंडलिंग करते ही रहना पड़ेगा, देन तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी वैसा ही सोचा था। बट हमने जब गैलीलियो के बारे में पढ़ा तो गैलीलियो ने बताया कि नहीं, एक्चुअली में हम उतना फोर्स प्रोवाइड करते हैं जितना एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना उसको ओवरकम कर पाए, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो जो भी एरिस्टोटल के लॉ थे या फिर जो भी उनकी बातें थी अकॉर्डिंग टू मोशंस, वो गलत हो गई, आज के जमाने में वो गलत ही है। देन बट मोशन का मेन बेस फाउंडेशन किसने स्टार्ट किया, गैलीलियो ने, और गैलीलियो को फॉलो कौन करता है, न्यूटन। तो गैलीलियो के बारे में अगर शॉर्टली मैं फास्टली बताऊँ तो गैलीलियो ने सबसे पहले तो आइडिया लिया फ्रिक्शनलेस सरफेस का। उन्होंने यहाँ से बताया कि अगर हम फ्रिक्शनलेस दो स्लॉट सरफेस लें, एक में हम बॉल को अप डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने दें तो उसका वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ता जाएगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, एक्सेलरेटेड। जब वो डाउन जाता है, जब वो अप जाता है तो वेलोसिटी धीरे 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 क्या होता है, कम। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कम, मतलब सॉरी वेलोसिटी कम हो रहा है, दैट मीन्स रिटार्डेशन। इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलेगा, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा। वेलोसिटी इंक्रीज होना दैट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी डिक्रीज होना दैट मीन्स रिटार्डेटेड मोशन। ओके, तो अब ये दोनों के बीच का अगर कोई केस ले जिसमें हम स्लोप प्रोवाइड ही ना करें और फ्रिक्शनलेस सरफेस हॉरिजॉन्टल रख दे, तो ना वो एक्सेलरेटेड होने वाला है ना वो रिटार्ड होने वाला है, दैट मीन्स ना उसका वेलोसिटी बढ़ने वाला है ना उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला है। तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा तो आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा किसने बताया, गैलीलियो।
उन्होंने वापस भी यहाँ पे वही कंक्लूडन किया दूसरे एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने दो स्लोप सरफेस लिए, पहले स्लोप पे कुछ हाइट पे से उन्होंने बॉल को लीव कर दिया और वो ट्रैवल करते 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 कहाँ पे जाएगा, सेकंड स्लोप पे जाएगा। उन्होंने देखा कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एग्जैक्टली जिस हाइट पे से बॉल को छोड़ दिया गया है वही हाइट पे हो जाएगा। फिर उन्होंने वह पहले प्लेन को वैसे का वैसा रखा, दूसरे प्लेन का जो एंगल था या कि स्लोप था उसको कम कर दिया, यहाँ पे एंगल कम कर दिया, यहाँ पे एंगल ज्यादा, देन और फिर वापस एक्सपेरिमेंट किया तो उनको पता चला कि वही कंक्लूजन है, जितने हाइट पे से उन्होंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है सामने वाले स्लोप पे ऑब्जेक्ट वही हाइट पे जाके वापस आएगा, स्टॉप तो नहीं होगा वापस आएगा, देन बट एग्जैक्ट तब तक जाएगा जब तक वो हाइट गेन नहीं कर लेता जो हाइट से छोड़ा। देन फिर उन्होंने क्या किया, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, ये हाइट देते ही नहीं है, स्लोप हॉरिजॉन्टल सरफेस रख लिया, स्लोप जीरो कर दिया, तो अब ये ऑब्जेक्ट तब कब तक मोशन करता रहेगा जब तक उसको हाइट ना मिले, बट वो हाइट मिलने वाला ही नहीं है, मतलब कब तक मोशन करता रहेगा, इनफिनिटी डिस्टेंस तक। और वहां से गैलीलियो ने कंक्लूड किया कि फॉर द कांस्टेंट मोशन ऑफ मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी नो एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड, ओके, बट कब, जब फ्रिक्शन लेस सरफेस हो तब, बट इन रियालिटी दैट इज नॉट हैपन बिकॉज हमारे सरफेस में थोड़ा सा तो फ्रिक्शन होता ही है, तो कोई डाउट। और उसके नॉलेज पे न्यूटन ने आगे मैकेनिक्स को बढ़ाया, और न्यूटन ने सिर्फ बढ़ाया नहीं, अकेले ही बाय ओनली वन हैंड, मतलब कि सिर्फ न्यूटन ने ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए मैकेनिक्स के, बाय गिविंग दी थ्री लॉस टू अस, हमें उन्होंने तीन लॉ दिए, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ फॉर द मोशन ओनली है। बाकी उन्होंने काफी सारा काम किया है, ऑप्टिक्स में भी काम किया है, हमने टेंथ में पढ़ा था प्रिज्म वाला, वो प्रिज्म लेके व्हाइट लाइट का कंपोजिशन करवाया था, काफी सारे काम किए, बट मैकेनिक्स में उनके तीन लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो सिंपल बट रिवोल्यूशनरी आइडियाज डिथ्रोन्ड द एरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स, डिथ्रोन्ड करना दैट मींस कि गलत प्रूव करना, किसको गलत प्रूव किया उन्होंने, एरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स को, या तो फिर ऐसा बोलते हैं कि उस एरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स को जो फॉलो करते थे ना उसका एरा एंड कर दिया, किसने, गैलीलियो ने। उनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल था बट एक रिवोल्यूशनरी थिंकिंग था, क्यों थिंकिंग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नॉट पॉसिबल, फ्रिक्शन कम कर देना पॉसिबल नहीं। देन मैकेनिक्स हैड टू बी डेवलप्ड एंड दिस टास्क वॉज एकॉम्प्लिश्ड ऑलमोस्ट अ सिंगल हैंडेड बाय द आइजैक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। बट ये जो काम था मैकेनिक्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने का, वो ओनली बाय सिंगल हैंड, दूसरे किसी साइंटिस्ट ने उसमें वो बोले ही उससे पहले ही न्यूटन ने खत्म कर दिया था, और न्यूटन को कोई गलत प्रूव नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट बाय सिंगल हैंडेड बाय आइजैक न्यूटन, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल द टाइम, क्योंकि पूरा मैकेनिक्स उनके लो पे ही डिपेंड्स है। ओके, न्यूटन बिल्ड्स on Galileo's idea and laid the foundation of mechanics in terms of three laws of motion that go his name, aur tino ko uska naam diya gaya Newton's first law, Newton's second law and Newton's third law. Galileo's law of inertia was his starting point which fundamental as the first law of motion. Galileo ne jo inertia ka law diya tha wahi Newton's ka kaun sa law ban gaya, first law. Ab kal humne inertia ka meaning samjha tha, what do you mean by inertia? Okay, that is the Gujarati meaning. That means opposing the state motion. Resistance to change, oppose the change. जो change होने को oppose करता है, किसमें चेंज होने वाला है यहाँ पे, उसके स्टेट कंडीशन में, स्टेडी कंडीशन में, या तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी वाले कंडीशन में। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी होता है तो उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते वो स्टेडी ही रहेगा, देन जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उस पर अगर फोर्स नहीं, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, अगर उस पर फोर्स नहीं लगाते तब तक वो वेलोसिटी चेंज करने वाला नहीं है।
दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट. उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. अब इनर्शिया के काफी सारे एक्सपेरिमेंट इलस्ट्रेशन है, हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं वहां पे, सो ध्यान देना. तो उसी लॉ को उसने फंडामेंटल फर्स्ट लॉ बनाया. एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन इट्स स्टेट, कोई भी बॉडी अपने स्टेट में तब तक रहेगा ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. और वो स्टेट दो टाइप के हैं, ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स और एक्ट अदरवाइज. टू एक्ट अदरवाइज. कोई भी बॉडी तब तक अपने स्टेट में रहेगा, और वो स्टेट कौन से है? स्टेडी या तो फिर कंटिन्यूस मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन. तो तब तक वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, स्टेडी है तो तब तक स्टेडी रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होगा. दिस टाइप ऑफ लॉ इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और वो गैलीलियो का इनर्शिया का लॉ ही है, सेम टू सेम बट स्केच के लिए. द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इंप्लाइज जीरो एक्सेलरेशन. अगर उसका स्टेडी स्टेट है दैट मींस वेलोसिटी कितना है? जीरो. और चेंज इन वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा? जीरो. अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो भी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो. दोनों केसेस में चेंज इन वेलोसिटी जीरो है और दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो. तो दोनों स्टेट एक जैसे ही है, इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं. सो देयर इज अ जीरो एक्सेलरेशन. द फर्स्ट लॉ कैन बी देयरफॉर सिंपली एक्सप्रेस्ड एज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. बॉडी पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? जीरो. इट्स एक्सेलरेशन इज, उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो. एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी. अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वो तभी पॉसिबल है जब बॉडी पे क्या लगता हो? अ नेट एक्सटर्नल फोर्स. अब नेट फोर्स का क्या मीनिंग है? कल भी पूछा, नेट फोर्स का क्या मीनिंग है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दो न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, दो न्यूटन फोर्स इधर लगा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट कौन सी साइड पे जाएगा? किसी भी साइड पे नहीं जाएगा, सेम टू सेम रहेगा. तो हम एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही रहे दो, और सिमिलर फोर्स लगा रहे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों फोर्स का समेशन क्या हो जाएगा? जीरो. बिकॉज फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी. आपको वेक्टर के साथ ध्यान में लेना पड़ेगा. इस साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो इस साइड के डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव. तो दिस वन इज द प्लस टू, दिस वन इज द माइनस टू, टोटल जीरो हो जाएगा. क्या हो जाएगा? जीरो. और इसलिए एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बट अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कितना है? जीरो. तो हम उसको नेट फोर्स नहीं मानेंगे. जब नॉन जीरो फोर्स मिल रहा है तब उसको हम क्या मानेंगे? नेट फोर्स. तो जब नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. अदरवाइज अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए. देन समझ में आया? टू काइंड्स ऑफ सिचुएशन आर एनकाउंटर्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ इन प्रैक्टिस. इन अ सम एग्जांपल वी नो दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो. अभी जो मैंने बताया नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो. दो न्यूटन और दो न्यूटन. इन दिस केस वी कैन कंक्लूड दैट एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो. अंडरलाइन कर लो उस सेंटेंस को. इफ यस वी नो दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, इन दैट केस वी कंक्लूड दैट एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो. याद रखोगे ना? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो व्हाट वी कंक्लूड? उसमें एक्सीलरेशन कितना है? जीरो. और एक्सीलरेशन जीरो वाले कौन से दो कंडीशन है? एक ऑब्जेक्ट स्टेडी हो तो स्टेडी ही होगा, और दूसरा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ये दोनों में आपको क्या मिलता है? जीरो एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल स्पेसशिप आउट इन अ इंटरस्टेलर स्पेस फार फ्रॉम द ऑल ऑब्जेक्ट एंड विथ ऑल इट्स रॉकेट्स टर्न ऑफ हैज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ओके, जो स्पेसशिप होता है जिसको हम स्पेस शटल बोलते हैं, देन वो अर्थ के एटमोस्फियर के बाहर निकल जाएगा, उसके बाद अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, और फिर अगर बीच में जाके अपने रॉकेट जो होता है, पता है ना उसके पीछे रॉकेट्स होता है, रॉकेट की वजह से वो मोशन करता है, और वो रॉकेट को क्या कर देता है? टर्न ऑफ कर देता है, टर्न ऑफ द रॉकेट्स. तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? उसको फोर्स क्यों मिलता था? वो अप जाता है ना ऐसे रॉकेट्स, फिर वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है स्पेस से, देन अब तब जाके वो अपने रॉकेट्स को क्या कर देता है? ऑफ. तो जो उसको फोर्स मिलता था वो किसकी वजह से मिलता था? रॉकेट की वजह से.
अब रॉकेट सॉरी हाँ जो रॉकेट जो बंद कर रहे थे उसकी वजह से, अब रॉकेट को वो टर्न ऑफ कर रहा है तो फोर्स मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब नेट फोर्स जीरो हो गया तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन एंड सो हैज अ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मस्ट बी ओके। तो इसको समझने के लिए अर्थ के बाहर भेजा क्यों, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस पेन पे मैंने फोर्स लगाया वो अब जा रहा है, अब मैं फोर्स लगाना बंद कर देता हूँ तो वो क्या हो जाना चाहिए, स्टडी हो जाना चाहिए ना, बट वो कहाँ आएगा, अब इसमें फोर्स लगना, जैसे मैंने एक फोर्स लगाना बंद कर दिया ना दूसरा फोर्स लगना स्टार्ट हो गया ग्रेविटेशन। इसलिए आपको कॉन्स्टेंट इलस्ट्रेशन से समझाया है, स्पेस से बाहर चले जाना है और फिर अगर बंद कर दोगे तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला नहीं है, तो फिर वो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेडी, देन उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। इफ इट इज इन अ मोशन इट मस्ट कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो स्टेडी है तो स्टेडी रहेगा, और बंद करने के बाद अगर वो मोशन में है तो वो मोशन कौन सा होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू जीरो, देन वी हैव अ टू कंडीशन, वन स्टेडी एंड सेकंड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मोशन इन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो अगर वो मोशन में है, इफ इट इज इन अ मोशन इट मस्ट कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोर ऑफन हाउएवर वी डू नॉट नो ऑल द फोर्सेस to being with in this in that case if we know that object is unaccelerated either at a rest or uniform linear motion we can infer from the first law that the net external force on the object must be zero. kabhi kabhi kya hota hai hum kya nahi jante, we do not know all the forces being with is object pe kaun kaun se force lag rahe hai wo hame pata nahi hota, kafi sare ek se zyada force lag sakte hai done, aur force ke kafi sare type hai, बट सब फोर्स ड्यू टू दी फोर फंडामेंटल फोर्स ही आते हैं और दे आर दी इलेक्ट्रिक फोर्स, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल फोर फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब क्या चाहे कोई भी फोर्स ले लो वो इस चारों में से ही किसी का टाइप होगा, देन सो फोर फंडामेंटल फोर्स से ही फोर्स बनते हैं, बट फोर्स के काफ़ी सारे टाइप है, कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंजेंट फोर्स, ओके विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, काफ़ी सारे फोर्स हैं। तो ऑब्जेक्ट पे अगर काफी सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उसके बारे में हमें पता नहीं है, बट इन दैट केस इफ वी नो दैट ऑब्जेक्ट इज अनएक्सीलरेटेड, बट हम इतना जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, अनएक्सीलरेटेड, दैट मींस उसका एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, तब इतना हम मान सकते हैं, वी इन्फर दैट, उतना कंक्लूजन हम कर सकते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो, चाहे टेन फोर्स क्यों नहीं लगते उसके, टेनो फोर्स का समेशन कितना होगा, जीरो, और वो तभी पॉसिबल है ऑब्जेक्ट क्या रहे, अनएक्सीलरेटेड। समझ में आया, देन सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और मैं उसको दो न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा हूँ, दो न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा हूँ, बट आप इसको देख रहे हो आपको पता नहीं है कि कौन सा फोर्स कहाँ पे लग रहा है। मैं सपोज एक काम करते हैं, एक आयन का पीस ले लेते हैं, देन यहाँ पे एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट यहाँ पे, बट आयन का पीस किसी भी साइड पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। ए आयन आयन के पीस पे ये जो मैग्नेट जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही मैग्नेट दूसरा मैग्नेट फोर्स लगा रहा है, तो ना वो इसकी साइड जाएगा ना वो इसकी साइड, समझ में आया। अगर ऑब्जेक्ट अनएक्सीलरेटेड रहता है तो वी कैन अकोमलाइज दैट, वी कैन इन्फर दैट टोटल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। देन ग्रेविटी इज एवरीवेयर फॉर टेरेस्ट्रियल फिनोमिनन इन अ पर्टिकुलर एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्यू टू दी अर्थ। ऐसा कोई पॉइंट है अर्थ पे, टेरेस्ट्रियल पे मतलब कि अर्थ सरफेस पे, कि जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, नहीं है ना, तो सबको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ऑल्सो ऑब्जेक्ट इन अ जनरली एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शन, विस्कस ट्रैक एक्सेट्रा, और हमारे अराउंड जो मीडियम है वो एयर मीडियम है, थोड़ा सा तो थोड़ा बट एयर हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा करेगा और करेगा, एज वेल एज जब हम एक सरफेस पे से दूसरे सरफेस पे स्लाइड करते हैं तो भी कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एंड विस्कस फोर्स इज देयर इन देन सॉरी इफ देन ऑन द अर्थ एन ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म लिनियर मोशन इट इज नॉट बिकॉज देर आर नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट बिकॉज वेरियस एक्सटर्नल फोर्स कैंसल्ड आउट एंड एडअप टू अ जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स।
इसका मतलब ऐसा है कि टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट अगर स्टेडी है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, उस पर फोर्स तो लगता ही है, बट एट द एंड ऑफ जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस सबका समेशन कितना है, जीरो, तभी वो स्टेडी है। देन अब देखो इससे समझने का ट्राई करते हैं। सपोज इस पे इस टेबल पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, देन अभी वो स्टेडी पोजीशन में है, स्टेडी पोजीशन में मतलब उस पे फोर्स जीरो लग रहा है, ऐसा स्टेडी पोजीशन में मतलब उस पे फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, ऐसा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं होगा, उस पे फोर्स तो लग ही रहे ना, जैसे कि ध्यान देना उसको नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका वेट, और वेट इक्वल्स टू एमजी होता है, पता है ना, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ उसको नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। अगर ऐसा होता तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज देयर ऑब्जेक्ट इन एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सटर्नल फोर्स है अगर तो ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में होगा, एक्सीलरेटेड, मतलब दो कंडीशन तो नहीं होगी, एक स्टेडी नहीं होगा और एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, ये दो कंडीशन नहीं होते तो एक्सीलरेशन आ ही जाता है। तो अब अगर इस यही एक फोर्स प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट किसकी ओर जाना चाहिए, नीचे की ओर, टेबल का सर्फिस ब्रेक हो जाना चाहिए और ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहिए, बट इट्स हैपन नहीं, अब होता है वो नहीं होता है ना, तो दूसरा एक फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिसके बारे में हम नहीं जानते, देन बट दैट फोर्स इज नॉन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं ना तो ऑलवेज एक सरफेस दूसरे सरफेस पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, जिसको कौन से किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, और ये जो एन का वैल्यू है वो ही वैल्यू किसका होगा, डब्ल्यू का, और दोनों अब कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऑपोजिट, तो ऐसा मतलब नहीं था कि वो ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा मतलब नहीं था कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ नहीं, मतलब फोर्स ही नहीं लग रहा है, उस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक कौन सा, W और एक कौन सा, N, बट दोनों का नेट फोर्स फाइंड करे तो कितना हो जाता है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट क्या था, स्टेडी, समझ में आया ना, चलो वो समझने का ट्राई करो। सो कंसीडर अ बुक एट अ at a rest on the horizontal surface, like this one is the horizontal surface of the table, उस पर हमने क्या रखा है, book, मैंने block रखवाया था, इन लोगों ने क्या रखा है, book, अब समझते जाना, it's subjected to the two external force, उसमें कितने external force हो गए, two, but initially हमें एक ही पता था, जब तक मैंने n के बारे में नहीं बताया था, तब तक आपको एक ही पता था ना, नीचे की ओर कौन सा force, weight, gravitational force, weight force, so that is force due to the gravity acting downward direction, an upward force on the book by the table, जो मैंने n लिखा था ना, वो n force कौन सा है, table जो book पे लगा रहा है, then अगर वो नहीं होता तो according to Newton's first law book कहाँ चला जाना चाहिए, जिस direction में force लगता है वही direction में उसका motion हो जाएगा, but ऐसा होता है नहीं होता, table पे book रखने के बाद क्या book नीचे चली जाती है, ऐसा होगा तो हम किसी भी object को carry नहीं कर पाते, not happen ना, क्यों, क्योंकि जितना book table बुक जितना फोर्स बुक टेबल पे लगा रही है एज अ वेट उतना ही फोर्स टेबल अब अकॉर्डिंग ये सेकंड लो समझने फर्स्ट लो समझ रहे उससे पहले हमें थर्ड लो की बात कर ली न्यूटन्स थर्ड लो एक्शन एज अ एवरी एक्शन एज अ ऑपोजिट रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देन बट लेटर ऑन आएंगे उस पे तो अभी समझ में आया टेबल क्या लगा रहा है बुक पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज द नॉर्मल फोर्स आर उन्होंने नॉर्मल मैंने नॉर्मल फोर्स को एन बोला था उन लोगों ने कौन सा सिंबल दिया है आर सो दैट इज आर आर इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स वो एकदम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है कैसे अगर किसी का मास ज्यादा है ना टेबल पे आप छोटे से लेके बड़ा ऑब्जेक्ट रख सकते हो कि नहीं अब चलो एक मतलब कि मैजिक वाला टेबल देखते हैं ये टेबल है ना चलो एक काम कर देते हैं इस टेबल सरफेस के लिए ऑलवेज आर 100 न्यूटन हो ऐसा डिसाइड कर लेते हैं ऐसा मान लेते हैं गलत गलत चीज मान लेते हैं इसके लिए 100 न्यूटन है तो अगर मैंने इस पे 2 केजी वाला ऑब्जेक्ट रखा कितने और कितना केजी 2 अब मुझे W फाइंड करना है तो M इंटू क्या करना पड़ेगा जी जी का वैल्यू बट हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं ओके मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 2 इंटू 10 कितना हुआ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल रहा है तो 20 न्यूटन नीचे लग रहा है अब ऐसा मानते हैं कि इस पे जो आर है वो ऑलवेज कितना लगने वाला है
100, अगर ऐसा होता किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए आर फिक्स ही होता जो कॉन्टेक्ट फोर्स है अपर डायरेक्शन में, तो अगर वो 100 अप लगता तो नीचे तो कितना लग रहा है 20, और अप कितना लग रहा है 100. अप वाले फोर्स को प्लस मानते हैं, नीचे वाले फोर्स को माइनस मानते हैं, टोटल फोर्स कितना हुआ? पॉजिटिव आंसर मिला. पॉजिटिव मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड. मतलब कि उस टेबल पे अगर हम बुक रखना चाहते तो वो बुक हवा में रहता. फोर्स 80 अपसाइड लग रहा है ना, तो हवा में रहता. इज दैट अपन? नहीं है ना ऐसा. चलो अब एक काम करते हैं, तो इसका मतलब ऐसा कि जब हम 2 kg का रखते हैं तो 20 न्यूटन के अकॉर्डिंग इसमें कितना होना चाहिए? 20 न्यूटन ही होना चाहिए. बट अगर हमने वही टेबल पे 1 kg वाला ऑब्जेक्ट रखा, देखो हमने 2 kg वाला रखा था, तो टेबल अपने पोजीशन में है, मतलब कि टूटा नहीं है. दैट मींस वो 2 kg को कैरी कर सकता है, उसका स्ट्रेंथ है 2 kg को कैरी करने का. तो 1 kg को कैरी करने का भी तो स्ट्रेंथ होगा ना, उससे कम. तो 1 kg वाले केस में नीचे की ओर कितना न्यूटन लगता? 10 न्यूटन. तो वो 1 kg वाला ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, दैट मींस उसमें भी अप डायरेक्शन में फोर्स कितना लगता है? 10 न्यूटन. तो देखो आप, जो ये नॉर्मल फोर्स है ना वो चेंज होता जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट दूसरा रखते हो, नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स क्या होता जाता है? वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद एडजस्ट कर रहा है. नीचे जितना लग रहा है ना उतना ही ऊपर लग रहा है. समझ में आया? 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा तो 20 लगाया, 1 kg का रखा तो 10 लगा. और इसीलिए कौन सा वर्ड दिया है? सेल्फ एडजस्टिंग. कौन सा फोर्स दिया है? सेल्फ एडजस्टिंग. समझ में आया उसका मतलब? आगे बढ़ जाए. This is an example of the kind situation mentioned above. The force are not quite known fully, but the state of motion is known. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे हैं ना, वैसा अगर कॉन्सेंट्रेट करना चाहोगे ना, तो एक दो फोर्स याद आएंगे, बाकी के 15 फोर्स छूट जाएंगे. क्योंकि कुछ फोर्स विजिबल होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स है तो तुरंत विजिबल होगा, बट अगर फील्ड से फोर्स लग रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि फोर्स उसकी वजह से लग रहा है कि नहीं लग रहा है. देन तो फोर्स आर नॉट विजिबल, उसका स्टडी हम नहीं कर पाएंगे, बट उसके पोजिशन का स्टडी तो कर ही पाएंगे कि वो स्टडी है या मोशन में, वो तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं ना. और दैट्स व्हाई सेंटेंस पढ़ो फिर से एक बार. द फोर्स आर नॉट क्वाइट टू नॉन, फोर्स जनरली हम पता लगा पाएंगे नहीं, बट स्टेट ऑफ मोशन इज नॉन. आप मोशन का स्टेट जान सकते हो, स्टडी है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वो आप पता लगा सकते हो. So we observed book at to be a rest. Book पे कौन से फोर्स लग रहा था? वैसे उसका वेट नीचे की ओर लग रहा था, वो हमें पता नहीं था. हाँ, वो तब पता चलेगा बुक को, वही बुक को लेके अपने हाथ में रखोगे तो आपको फिर फील होगा कि नहीं, बुक को फोर्स लग रहा था नीचे की ओर. बट फिर भी अपने हाथ पे रखने से बुक अप डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है जब तक आप अपने हाथ को मूव नहीं करते. नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, मतलब कि हाथ भी बुक पे क्या लगा रहा है? फोर्स. वो आपने इमेजिन किया, दिख रहा है, दिख मतलब कि इमेजिन किया, दिखता था कि वो फोर्स लग रहा है, वैसा दिखता था नहीं. तो फोर्स आप फुल्ली नॉन नहीं कर पाओगे, बट हाँ आपको पता था कि बुक का पोजीशन क्या है? स्टेडी. और स्टेडी होने के लिए फर्स्ट लॉ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो. दैट मीन्स कि बुक जितना फोर्स नीचे की ओर लगा रहा है उतना ही बुक पे फोर्स आप डायरेक्शन में लगना चाहिए. तो पोजीशन फाइंड करने से, मोशन का स्टेट फाइंड करने से हमें फोर्स के बारे में पता चल सकता है. क्लियर है यहाँ तक? Therefore, we conclude from the first law that magnitude of R is equals to W. Underline this sentence. Normal force is equals to weight. Magnitude of R, that means normal force, that is equals to W, that means law. W, that means weight. Normal force is equals to weight. And that's why a statement often encountered is, since W equals to R, force cancelled and therefore the book is rest. W और R दोनों का magnitude same हुआ. W नीचे की direction में, R कौन से direction में? Up direction में. और इसीलिए total net force कितना हो गया? Zero. और इसलिए book कौन से position में है? Rest position में. This is incorrect reasoning. अगर ऐसा सोचते हैं तो वापस incorrect reasoning होगा. क्यों? समझते हैं. The correct statement is that since the book is observed, reasoning मतलब कि फिजिकली गलत नहीं है, फिजिकल मीनिंग में गलत नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है. ग्रामेटिकली गलत है. देखो पढ़ो क्या बोला है. W इक्वल्स टू आर था ना, इसलिए बुक रेस्ट पोजीशन में था. बट करेक्ट मीनिंग उससे उल्टा है. कैसे? सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी अ रेस्ट, नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ.
उल्टा सेंटेंस वही का वही है, पहले ऐसे बोला था फिर ऐसे बोला। हमने क्या बोला पहले, W इक्वल्स टू R है इसलिए बुक रेस्ट पोजिशन में। नहीं नहीं हमने कैसे कंक्लूड किया, बुक रेस्ट पोजिशन में था इसलिए W इक्वल्स टू क्या है R। तो करेक्ट रीजनिंग क्या, फिजिकली मीनिंग गलत नहीं है, रीजनिंग मीनिंग जो है ग्रामेटिकली गलत है। करेक्ट सेंटेंस क्या है कि सिंस बुक इज ऑब्जर्व टू बी रेस्ट, हमने बुक को कैसे पोजिशन में ऑब्जर्व किया, रेस्ट पोजिशन में, और देयरफॉर वी कैन से दैट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो। और फिर उसको लेके हमने क्या प्रूव किया, W इक्वल्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट द नॉर्मल फोर्स R मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट W। और जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है तो वो हमें बताता है कि नॉर्मल फोर्स जो R था वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एंड अपोजिट टू द वेट। तो वेट ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ के सेंटर की ओर, ओके, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट टू डाउनवर्ड। कौन सा डायरेक्शन होगा, अपवर्ड। बोलो समझ में आया। और जितना वेट है ना उतना ही आर होगा, इसीलिए किसी का वेट ज्यादा है तो आर ज्यादा, किसी का वेट कम है तो आर कम। और इसीलिए आर को हमने कौन सा फोर्स बोला था, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। समझ में आया, बोलो कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। है कोई डाउट, नहीं है ना, ओके। कंसीडर द मोशन ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक रेस्ट पोजीशन से कार अपना मोशन स्टार्ट कर रहा, पार्किंग अप द स्पीड, देन मूविंग ऑन द स्मूथ स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म स्पीड। वो मोशन स्टार्ट करने के बाद यूनिफॉर्म स्पीड से एक रोड पे मोशन कर रहा है। When the car is stationary, there is a no net force acting on it. Car जब steady था, तो according to first law में ऐसा बोल सकते हैं ना, steady position that means no net external force, okay? So no force acting on it. During the pickup, it accelerated. जब हमने उसको start करके pickup करवाया, pickup करवाना that means velocity बढ़ाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, accelerated motion. And this must be due to a net external force. वो accelerated क्यों हुआ? हमने कुछ external force लगाया। हमने तो acceleration पे पैर रखा होगा, engine में work किया होगा, engine में fuel consumed हुआ होगा, external force लगेगा, और इसलिए उसका motion क्या होगा? Accelerated. Then, not it has to be an external force. अभी याद रखो, external force लगेगा तभी motion होगा। कल भी मैंने बोला था कार में बैठ के धक्का लगाना है, चलेगा कार आगे, और बाहर जाके धक्का लगाओगे तो यू आर प्रोवाइड द एक्सटर्नल फोर्स। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी ऑब्जेक्ट किस में आता है, मोशन। देन अब सर क्या गप्पे लगा रहे हो, इंजन तो कार के अंदर ही होता है ना, इंजन में फोर्स लगता है तभी तो कार आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो अभी इंजन कहाँ पे है, कार के अंदर, तो हम भी तो कार के अंदर थे, हम थे तब धक्का लगाया तो कार नहीं गया आगे। अब इंजन कैसे कार के अंदर से कार को बाहर निकाल रहा है, ओके, देखो इंजन जो है ना वो कार के अंदर ही है, और दैट इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, कार इज द सिस्टम, सिस्टम का पार्ट ही है। बट इंजन जो फोर्स है ना वो फोर्स कार पे नहीं लगा रहा है, इंजन जो फोर्स है वो व्हील को रन करने में लगा रहा है, वो रियल व्हील जो है वो फोर्स कार पे लगा रहा है, सरफेस पे। आप चल क्यों पाते हो, बिकॉज यू आर पुशिंग द लैंड। आप जब चलते हो ना तब आप पुश करते हो लैंड को, और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बाय लैंड ऑन अस, जो हमारा लैंड सरफेस है वो हमें इक्वल अमाउंट का फोर्स वापस देता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो हम पढ़ने वाले लेकर, और इसलिए हम क्या कर पाते हैं, चल पाते। तो टायर्स जो है रोटेट होते होते जितना फोर्स कहाँ पे लगाएंगे, रोड सरफेस उतना ही, और इक्वल फोर्स किस पर लगाएगा, कार पे, और इसलिए एक्सटर्नल फोर्स आया, मतलब व्हील पे, ओके, एक्सटर्नल फोर्स आया। समझ में आया, कार को रन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कैसे क्रिएट हुआ, इंजन ने क्रिएट करवाया, बट इंजन ने फोर्स कहाँ पे लगाया था, रोड पे, और वही फोर्स रोड में किसने लगाया, सॉरी रोड में किस पे लगाया, कार पे। एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। देन सो इस वर्ड को बोलना, मैं ध्यान देना, नॉट Not that it has to be an external force,
द एक्सीलरेशन ऑफ द कार कैन नॉट बी अकाउंट फॉर बाय एनी इंटरनल फोर्स. कार का मोशन कोई इंटरनल फोर्स की वजह से होने वाला नहीं है, बट आपके माइंड में डाउट रह जाता कि इंजन कार के अंदर है तो इंटरनल फोर्स हुआ, तो मैंने वो सॉल्व करवाया. देन आगे बढ़ते हैं. द माइट साउंड सरप्राइजिंग बट इट इज ट्रू. आपको पहले तो सरप्राइज ही लगेगा ना, क्योंकि कार के अंदर इंजन है तो फिर वो तो इंटरनल फोर्स हुआ, बट मैंने वो सॉल्व कर दिया. द ओनली कन्विंसिबल एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द रोड इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब वो जो रोड है ना, वो कार पे फोर्स किसकी वजह से लगा पाता है? फ्रिक्शन की वजह से. देन अगर आपको पता है कि कहीं मड में टायर घुस जाएंगे तो फिर कार है ना आगे नहीं चल पाता है. क्यों? फ्रिक्शन कम हो जाता है. फ्रिक्शन कम हो जाता है तो कार फंस जाता है. हम भी अगर चलते चलते कहीं केले की छाल आ गई तो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया. देन समझ में आया? अगर आपको सैंड में चलना हो तो दौड़ पाओगे? रोड पे दौड़ पाते हो ना सैंड पे? जितना भी फोर्स लगाओगे आप अंदर चलते जाओगे, क्यों? फ्रिक्शन बाहर नहीं आ रहा है. ओके समझ में आ रहा है ना? जो जहां पे फ्रिक्शन कम हो रहा है वहां पे मोशन भी कम होती जाएगी. ओके तो यहाँ पे जो कार है उसको एक्सटर्नल फोर्स कौन दे रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लो. इट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट एक्सीलरेट द कार एज अ होल. यू विल लर्न अबाउट फ्रिक्शन इन द लेटर ऑन. इसी चैप्टर में हम इसी सेक्शन में पढ़ने वाले 5.9 में फ्रिक्शन के बारे में. When the car move with the constant velocity, there is a no external net external force, and the property of inertia coined in the first law is evident in a many situation. देखो हमने inertia के बारे में अभी पढ़ा, resist to change, और ज़्यादा description नहीं दिया. और मैंने जो भी कल description दिया था last lecture में, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए, है ना? जो भी आप जड़ जो ने वह शब्द वहाँ रहते, जो आपको याद रखवाने के लिए. उसका थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन मत देना आप लोग. मैं टीवी देख रहा था, फिर मम्मी आई, उसको जड़ बोल दी. ओके चलो, तो कहने का मतलब क्या है? ध्यान दो, इनर्शिया के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, बट इनर्शिया पे ही पहला लॉ डिपेंड्स करता है. अब उसके काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन है फिजिक्स में, हम एक बाय एक वन बाय वन स्टडी करते हैं. जैसे कि आप कार में जा रहे हो ना, ड्राइवर कार रन कर रहा है, देन अब सडनली वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड, तो आप कौन सी साइड चले जाओगे? आप कार में ही बैठे हो ऐसा सोच रहे हो, आप दूसरी साइड पे घूम जाओगे. देन अगर आप बस में खड़े हो और बस का ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देगा, आप आगे की साइड चले जाओगे और बस अभी स्टेडी है, आप बातें कर रहे हो फ्रेंड के साथ, बस का ड्राइवर एकदम से एक्सीलरेट कर लेगा. सब इनर्शिया की वजह से होता है. इसकी वजह से इनर्शिया, देखो समझते हैं कैसे. जब बस स्टेडी है तो आपके जो फुट है, पैर है, वो किसके कांटेक्ट में? बस के फ्लोर के साथ. तो बस का फ्लोर भी स्टेडी है बस के साथ. अब जैसे बस मोशन में आया तो उसके साथ अपने फुट भी, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन नहीं होता ना तो बस आगे जाता, हम पीछे चले जाते. बस और हमारे पैर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो हम पीछे की ओर टकराते और बस आगे निकल जाता. बट दैट्स नॉट हैपन. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ऑलवेज रहेगा ही रहेगा. तो हम बस के साथ आगे जाएंगे, हम नहीं, हमारे पैर जाएंगे. बट हमारा जो अपर बॉडी है ना, पहले तो पूरा बॉडी रेस्ट पोजीशन में था, अब बस जब मोशन में आया तो उसके साथ कौन मोशन में आ गया? पैर. बट अपर बॉडी अभी भी कैसा रहना चाहता है? रेस्ट, ड्यू टू द इनर्शिया. वो भी रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है, वो चेंज करता है, सॉरी रजिस्ट करता है चेंज का. तो जो फुट ने चेंज किया ना तो रजिस्ट करेगा, वो पीछे की ओर ही रहेगा, और फुट कहाँ जाएंगे? आगे की ओर, इसलिए हमें पीछे की ओर धक्का देता है. बट अगेन हमारी बॉडी में स्ट्रेचिबिलिटी है, देन सारे पार्ट्स जॉइंट है. ऐसा तो है नहीं ना फुट आगे चले जाएंगे पीछे रह जाएगा बॉडी. देन ऐसा होता तो हो जाता, रह जाता, बट ऐसा नहीं है. तो फुट के साथ हमारा फिर बॉडी ट्रैवल करेगा और फिर वापस वही मोशन में आ जाएगा जिस मोशन में फुट है. अब अगर मोशन में है बस, अब बस एकदम से बंद हो जाती है तो उसके साथ कौन स्टेडी पोजिशन में आ जाएगा? हमारे फुट जल्दी से स्टेडी पोजिशन में आ जाएगा, बट हमारा बॉडी अभी भी मोशन करना चाहिए. पैर आगे स्टेडी पोजीशन में, बॉडी गया आगे, आगे की ओर धक्का लगता है. देन वैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आप कर सकते हो. चलो समझते हैं. सपोज वी आर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस एंड ड्राइवर स्टार्ट्स द बस सडनली, वी गेट थ्रोन बैकवर्ड विद अ जर्क. व्हाई? बिकॉज अवर फीट आर इन अ टच विद द फ्लोर. बस के फ्लोर के साथ हमारे फीट का टच है. एंड इफ देर वेर नो फ्रिक्शन, मैंने वो भी समझाया, अगर बस हमारे पैर और बस के फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता
वी वुड रिमेन वेयर वी वेर, हम वैसे ही वैसे रहते हैं और बस आगे चलता जाता, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो. व्हाइल द फ्लोर ऑफ द बस वुड सिंपली स्लिप फॉरवर्ड अंडर द सॉरी अंडर आवर फीट एंड द बैक ऑफ द बस वुड हिट अस, पीछे का जो सीट है वो हमें आगे टकराता, देन ऐसा होता. तो फिर क्या होता पता है, बस में सब बैठते हैं ना तो पीछे की ओर ही बैठ पाते, आगे से कोई रहता ही नहीं, सबका झमेला पीछे हो जाता है विदाउट फ्रिक्शन. चलो ध्यान, व्हाइल द फ्लोर ऑफ द बस वुड बी सिंपली स्लिप फॉरवर्ड अंडर द आवर फीट एंड वी सॉरी एंड द बैक ऑफ द बस वुड हिट अस, हाउएवर फॉर्चुनेटली देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड फ्लोर, सो द सो इफ स्टार्ट इज नॉट टू सडन, इफ द एक्सीलरेशन इज मॉडरेट, फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी इनफ टू एक्सीलरेट आवर फीट अलॉन्ग विथ बस. अगर ज्यादा वो स्टार्ट नहीं ले रहा है, जल्दी से नहीं ले रहा है, पता है धीरे धीरे लेगा तो फिर जेब नहीं लगने वाला, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही हमारे बॉडी को मूव करवाने के लिए सफिशियंट हो जाता है. डन. बट अगर वो एकदम से जेब लेता है, एकदम से स्टार्टअप ले लेता है, तभी हमें पीछे की ओर क्या लगता है, जेब. बट बॉडी इज नॉट स्ट्रिक्टली, ध्यान दे रहा है, बॉडी बट अवर बॉडी इज नॉट स्ट्रिक्टली अ रिजिड बॉडी, हमारा बॉडी स्ट्रेचेबल बॉडी है, एकदम स्ट्रिक्टली रिजिड बॉडी नहीं है. वो जब सीट को नहीं लगेगा, सीट को लगता है नहीं, वो परफेक्ट रिजिड बॉडी है. रिजिड मतलब कि उसमें सॉलिड, एकदम परफेक्ट सॉलिड, जिसमें कभी भी कोई शेप में चेंज होने वाला नहीं है. तो उसके सीट को वो जग नहीं लगेगा, सीट पीछे की ओर चले जाते नहीं, आप वॉल्टअप नहीं किया होता तो जाएंगे, देन वॉल्टअप किया है तो नहीं जाएंगे. बट हमारा बॉडी जो है वो रिजिड नहीं है, इट इज डिफॉर्मेबल. कौन सा बॉडी हमारा डिफॉर्मेबल, पैर आगे जा सकते हैं, बॉडी पीछे मूव हो सकता है. देन एंड सो इट अलाउज सम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स, हमारे पैर और बॉडी के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अलाउड कर सकता है. देन व्हाट दिस मीन्स दैट व्हाइल आवर फीट गो विद द बस द रेस्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स वेयर इट इट इज ड्यू टू इनर्शिया. जैसे फीट आगे जाएंगे, हमारा ऊपर का जो बॉडी है वो वहां पे रहने का ट्राई करेगा, ड्यू टू व्हाट, इनर्शिया. एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ इनर्शिया प्रॉपर्टी, एवरी ऑब्जेक्ट ना, वो याद रखना, ड्यू टू द इनर्शिया एंड रिलेटिव टू द बस देयरफॉर वी थ्रोन बैकवर्ड. पैर आगे जाएंगे बस के साथ, हमारा बॉडी रिलेटिव टू बस पीछे की रहे और रहने का ट्राई करेगा, और इसलिए हमें कौन सा जेक लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन. एज सून एज दैट हैपेंस हाउएवर द मस्कुलर फोर्स ऑफ द मस्कुलर फोर्स ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय द फीट कम्स इन टू प्ले एंड मूव द बॉडी अलॉन्ग विद द बस. जैसे होता है हमारे बॉडी पैर में से कौन सा फोर्स क्रिएट हो जाता है, मस्कुलर फोर्स, वो जो सारे मसल्स दैट मीन्स जो सारे बॉडी को कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए फिर हमारा बॉडी पूरा किस में आ जाता है, मोशन में. अगर वो मस्कुलर फोर्स नहीं होता ना तो वापस बॉडी बाहर रह जाता और पैर आगे चले जाते, फिर किसी और के पैर पकड़ लेने के उठा लेते हैं, चलते रहना. फिर सब ऐसा करते लोग ना, फिर आप मुझे ऐसा पनिश, फिर मुझे आप ऐसा बोलने आते, सर मेरे पैर कोई ले गया, मेरे नीचे रखा था. ओके चलो ध्यान दो. अ सिमिलर थिंग हैपेंस व्हेन बस सडनली स्टॉप्स, जब बस स्टॉप हो जाता है तो क्या होता है, हमारे फीट जो होते हैं दैट स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन विच डज नॉट अलाउ रिलेटिव मोशन बिटवीन द फीट एंड फ्लोर ऑफ बस. फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हो जाएंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं करने देंगे. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर ड्राइवर फोर्स लगा, ब्रेक लगा था ना, तो हम सब ड्राइवर पे जाके देखते, क्योंकि बस स्टॉप हो जाता हम तो आगे ही बढ़ते रहते. देन बट ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन, थैंक्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमें काफी काम आता है और काफी बार काम नहीं आता. जैसे पेट्रोल पुरवाना हो ना, तब ऐसा सोचते हैं कि फ्रिक्शन नहीं होता तो अच्छा, फ्यूल बंद नहीं होता, अदरवाइज काम ही आता है. देन चलो, बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस टू मूव फॉरवर्ड मोशन ड्यू टू इनर्शिया. हमारे फीट स्टॉप हो जाएंगे बट बाकी का बॉडी इनर्शिया की वजह से मोशन में रहने का स्टार्ट रखेगा, मतलब कि मोशन में ही रहेगा, और इसलिए हमें जब कौन से डर लगेगा, आगे की साइड. वी आर थ्रोन फॉरवर्ड एंड द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मस्कुलर विच इज मस्कुलर फोर्स अगेन कम्स इन टू प्ले एंड ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट. तुरंत हमारे बॉडी में मस्कुलर फोर्स क्रिएट होगा और हमारी बॉडी को कौन से पोजिशन में ले आएगा, रेस्ट. और अगर मस्कुलर फोर्स कम है और जर्क वाला फोर्स ज्यादा है, हाथ पाथ छूट जाएंगे, हम पड़ेंगे नीचे. अगर ऐसा भी होता है कि देखा नहीं है हमने कभी कभी, सडनली अगर किसी ने कोई, हम पैसे पकड़ के भी रखते हैं ना, पकड़ा नहीं हुआ है तो मस्कुलर फोर्स इज नॉट इनफ टू रेजिस्ट दैट फोर्स, इसलिए हम आगे की साइड गिर जाते हैं. देन याद रखें,